हेलो फ्रेंड्स, ये है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड वाटर एंड सोइल एनालाइजर किट। और इसको ऐसे ही ऑन करते आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टेम्परेचर की कैलिब्रेशन कैसे करनी है। सबसे पहले ये टेम्परेचर की वो लेंगे प्रोब। इसमें एक ये कट है, उस कट को देखते ही हमने इस तरीके से ही इसको फिट करके टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया और अब आप देखेंगे यहां पर ऑटो आ गया है। अगर मैं यहां से टेम्परेचर सेंसर हटा दूं तो ये मैनुअल आ जाता है, बट हमने ऑटोमेटिक मोड में रखना है तो इस करके हम इसमें टेम्परेचर सेंसर लगा देंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमने इसमें टेम्परेचर की कैलिब्रेशन कैसे करनी है। कैलिब्रेशन के किसी भी मोड पे जाने से पहले हमने सबसे पहले उसमें प्रोग्राम की दबानी है। प्रोग्राम की दबाते ही हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, कैलिब्रेट मेमोरी डे टाइम प्रिंट। कैलिब्रेशन में जाएंगे, हम एंटर करेंगे। ये हमें पूछ रहा है अभी आप टेम्परेचर पीएच किसकी करना चाहते हैं। मैं इस समय अभी टेम्परेचर की कैलिब्रेशन कर रहा हूं तो मैंने टेम्परेचर लगा दिया। टेम्परेचर की कैलिब्रेशन में मैनुअली अगर आप मैनुअली टेम्परेचर सेंसर के थ्रू करना चाहते हो कि जिसमें आप टेम्परेचर सेंसर ना लगाए और मैनुअली आपको बता देगी क्या टेम्परेचर चल रहा है, तो आप मैनुअली कर सकते हैं। जैसे ये मैनुअल में मेरे 25 डिग्री है इस टाइम और मैंने मैनुअली 25 डिग्री सेट कर दिया और मैंने इसको एंटर कर दिया। अगर मैं ये जो लो और हाई है इसको नहीं छेड़ना, इसको इसलिए नहीं छेड़ना क्योंकि हमने टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है, ये हमने कैलिब्रेट किया हुआ है। अगर आप टेम्परेचर कैलिब्रेशन को पूरा वॉश करना चाहते हैं तो हम अनकैल करके एंटर कर दो, बट हम इससे अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने अनकैल नहीं किया, हमने कैलिब्रेट किया हुआ है, तो हमने ऐसे एस्केप की दबा देनी है। अब यहां पर ऑटो आ गया। अब हमारा हम अपना टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। हमारा टेम्परेचर ठीक आ रहा है, 21.8 डिग्री ऑटोमेटिक मोड में।